देखे जनाब, ये बात किसी से छुपी तो नहीं है कि नागा साधु भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विशेष रूप से तंत्र और योग के साधक होते हैं। वे साधना और तपस्या ध्यान में अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। दिवाली का त्यौहार भी नागा साधुओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन इसे मनाने का उनका तरीका आम लोगों से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, अच्छाई की बुराई पर जीत और ज्ञान की अंधकार पर विजय का प्रतीक होता है, और ये त्यौहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, और इसे भगवान राम के अयोध्या लौटने के दिन के रूप में मनाया जाता है। लेकिन नागा साधुओं के लिए दिवाली का अर्थ कुछ और होता है। उनके लिए ये समय आत्मिक उन्नति, तप और ध्यान का होता है। नागा साधु दिवाली के दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। वे आमतौर पर शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि शिव उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण देवता होते हैं। साधु अपने आश्रमों में विशेष अनुष्ठान यज्ञ का आयोजन करते हैं, जहां वे अग्नि को केंद्र में रखते हैं, जबकि आम लोग इस दिन दीप जलाकर घरों को रोशन करते हैं। नागा साधु अधिकतर अग्नि को महत्व देते हैं, समझते हैं, और यही कारण है वे होली के अग्नि के चारों तरफ बैठकर ध्यान करते हैं और अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। ये दिवाली, ये बाहर जाना इनको बहुत पसंद है। जैसे कि कई नागा साधु विशेष रूप से हरिद्वार, काशी, कुंभ मेले जैसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थलों पर जाते हैं। इस दिन कई साधु अपने तप और साधना में विशेष ध्यान देते हैं, उपवास रखते हैं और ध्यान करने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और आत्मिक जागरूकता को बढ़ाना होता है। दिवाली का ये समय साधुओं के लिए अपने अनुयायियों और शिष्य समुदाय से मिलने का भी होता है। वे एक दूसरे के साथ अपनी साधना और अनुभव को साझा करते हैं। नागा साधु दिवाली को एक त्यौहार के रूप में नहीं, बल्कि इसे आध्यात्मिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण अवसर मानते हैं। इस दिन साधना और तप से वे अपने शरीर के अंदर की जितनी भी बुराई होती है उसे समाप्त करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए दिवाली एक ऐसा समय है जब वे अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन लाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें।